नमस्कार, एएनएन भारत में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नंदिता विश्नोई। नेताओं के बयानों से लगातार जुबानी आरी चल रही है और पार्टियों में वार पलटवार जारी है। भाजपा वाले कांग्रेस को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं तो कांग्रेस वाले भाजपा को, और दोनों ही जनता को अपनी तरफ खींचने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। पर राजस्थान की जनता के मन में कौन है और वो इस बार किसके हाथों में सत्ता देगी, आपको ये बताने और समझाने के लिए ईएनएन भारत लेकर आया है आपके लिए एक स्पेशल सीरीज, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 का सर्वेक्षण। बता दें कि हम लगभग 120 विधानसभाओं का वीडियो बनाकर हमारे चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, जिन्हें आप हमारी प्लेलिस्ट राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 सर्वेक्षण में जाकर अपनी विधानसभा या जिस भी विधानसभा की जानकारी आपको चाहिए उसका पूरा वीडियो आप वहां से देख सकते हैं। आज के एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे जोधपुर जिले की लोहावट विधानसभा के गाँव की रिपोर्ट, लेकिन उससे पहले हम आपको पूरे लोहावट विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस और बीजेपी को कितना समर्थन मिल रहा है वो दिखा रहे हैं। अभी के परिदृश्य में कांग्रेस को 38.01% और बीजेपी को 46.05% जनता का सपोर्ट प्राप्त है। लोहावट विधानसभा में कांग्रेस से वर्तमान विधायक कृष्णा राम विश्नोई पीछे चल रहे हैं। अब गाँव के अनुसार स्थिति देखिए, लोहावट विधानसभा में A+ ग्रेड वाले बीजेपी के 3 गाँव है, कांग्रेस का 1 गाँव है, अन्य के 2 गाँव है। ए ग्रेड में बीजेपी के 60 गांव हैं, कांग्रेस के 25 गांव हैं, अन्य के 5 गांव हैं। बी ग्रेड में बीजेपी के 62 गांव हैं, कांग्रेस के 63 गांव हैं, अन्य के 6 गांव हैं। सी ग्रेड में बीजेपी के 26 गांव हैं, कांग्रेस के 60 गांव हैं, अन्य के 56 गांव हैं। डी ग्रेड में बीजेपी के 12 गांव हैं, कांग्रेस के 14 गांव हैं, अन्य के 94 गांव हैं। अब मैं आपको उन लोगों के नाम बता रही हूं जो इस बार लोहावट विधानसभा से टिकट लेने का ट्राई कर रहे हैं। बीजेपी से गजेंद्र सिंह खींवसर, वहीं कांग्रेस से कृष्णा राम विश्नोई और सत्यनारायण विश्नोई का नाम सामने आ रहा है। हम मई में फिर से राजस्थान का सर्वेक्षण कर रहे हैं जिसके सवाल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहला सवाल, आपका पसंदीदा मुख्यमंत्री उम्मीदवार कौन है? दूसरा सवाल, आपका अगला विधायक कौन होना चाहिए? तीसरा सवाल, आपकी पसंदीदा पार्टी कौन सी है? चौथा सवाल, यदि आपके पसंदीदा उम्मीदवार की मुख्यमंत्री बनने की उम्मीद कम हो या ना के बराबर हो तो क्या उस स्थिति में भी आप अपनी पसंदीदा पार्टी को वोट देंगे? पांचवा सवाल, अगर विधायक उम्मीदवार आपकी पसंद का ना हो तो क्या आप अपनी पसंदीदा पार्टी को ही वोट देंगे? इन सवालों के जवाब की रिपोर्ट हम आपको मई के अंत तक दिखाएंगे। अगर आप भी हमारे सर्वेक्षण से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9829203321 पर इन सभी सवालों का जवाब लिखकर जल्दी से भेजें। आप इन सवालों के जवाब के साथ अपने गांव या विधानसभा की कोई भी जानकारी हो या कोई भी समस्या हो उसके बारे में आप लिख करके हमें भेज सकते हैं। आप समस्या का वीडियो बनाकर भी हमें भेज सकते हैं, उसे हम अपने अगले वीडियो में जरूर शामिल करेंगे। इसी के साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए फटाफट और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि विधानसभा चुनाव 2023 की हर खबर और अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। मैं जल्द लेकर आऊँगी आपके समक्ष अगली विधानसभा और उसके गाँवों की पूरी जानकारी, और तब तक के लिए देखते रहिए सिर्फ ईएनएन भारत। नमस्कार।